कौन सबसे बड़ा इंपोर्टर है, कौन सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। किसके द्वारा रिपोर्ट लाई गई है ये भी आपको पता होनी चाहिए। इवन इंडिया को, इंडिया के लिए सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है वो आपको पता होना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है कि इंडिया सबसे ज्यादा आर्म्स किससे इंपोर्ट करता है, पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, फिर चौथे नंबर पे, बताइए। चलिए देखिए, इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से तो आर्म्स को इंपोर्ट किया जाता होगा। और जो रिसेंटली रिपोर्ट आई है उसके अंदर बताया भी गया है कि सबसे ज्यादा आर्म्स जो है वो कहां से इंडिया इंपोर्ट करता है, तो यहां पे क्या आंसर होगा बताएं। देखिए पहले नंबर पे है रशिया, 49% आर्म्स जो है वो रशिया से इंपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। फ्रांस से 18% आते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है इसराइल का, इसराइल से 13% आते हैं, और यूएस से आप बताइएगा, यूएस चौथे नंबर पे है वैसे, तो यूएस से भी काफी ज्यादा मात्रा में आर्म्स जो है उसका इंपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 1, 2, 4, 3, सी विल बी योर करेक्ट आंसर। आर्म्स की इंपोर्ट की पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर ऑन द कॉन्ट्ररी 23% डिक्रीज देखा गया। अब देखिए वहां की इकोनॉमी जो है वैसे ही ड्विंडल कर रही है, नीचे जा रही है, तो बाकी सभी एक्टिविटीज के लिए भी पैसे नहीं है। इवन दो दे फोकस अ लॉट ऑन आर्म्स एंड एम्युनिशन, स्टिल उसके अंदर एक डिक्रीज देखा गया। चाइना अकाउंटेड फॉर 61% ऑफ इट्स इंपोर्ट इन 2015 एंड फॉर 74% 2016-20। तो वहां पे जो इंपोर्ट है वो भी काफी ज्यादा किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान का नंबर आपको बता दिया, वो चीजें नहीं पूछी जाएंगी, बट यस मेंस में कहीं ना कहीं उस डेटा को आप यूज कर सकते हैं। यहां पर जो पूछा जाएगा कि इंडिया को सप्लाई करने के लिए कौन सी कंट्री नंबर वन पे है, टू पे है, थ्री पे है, नंबर फोर पे है। अगर हम ओवरऑल बात करें, देखिए ये तो इंडिया की रैंकिंग है, ओवरऑल बात करें पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा आर्म्स का एक्सपोर्टर कौन है, तो कौन होगा वो बताएं, यूनाइटेड स्टेट्स, ध्यान रखिएगा।